अरे ये एक्सीडेंट किसका हो गया, जाके देखता हूँ। अरे मैडम मैडम मैडम, आप ठीक तो हैं मैडम? कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे छुआ भी, चल पीछे हट। सुन सैरी कबूतरी, मैं तुझे कोई टच वच करने नहीं आऊँ, ठीक है? मैं तेरी मदद करने आया था, लेकिन तू तो मुझे उल्टा सीधा बोली जा रही है। तुम शहरी लोग दारू वारू पी के गाड़ी चलाते हो और थूक जाए तो गांव वालों को बदनाम करते हो। मैं जा रहा हूँ अपने खेत में काम करने, बे मतलब का यहाँ पे आ गया। अबे ओ देसी गवार, रुक। तू ना शायद तू मुझे जानता नहीं है, तभी ना तू ऐसे बोल रहा है। अगर तू मुझे जानता होता ना तो तू मुझसे ऐसे बात ही ना करता। मैडम सबसे पहली चीज, ये आप नहीं आपका पैसा बोल रहा है, और आपको पता भी है कि दारू के नशे में गाड़ी चलाने से क्या होता है। अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता तब आपको पता चलता कि सामने वाली जान गई कि आपका क्या हुआ। आ जाता तो आ जाता, बहुत पैसा है मेरे पास, उसकी भी ना मैं बहुत अच्छे से भरपाई कर देती। मैडम मुझे लगता है ना कि आपको अपने पैसे का कुछ ज्यादा ही अकड़ है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इंसान की जिंदगी एक बार चली जाए ना तो उसे आप अपने पैसे से वापस नहीं ला सकती। बस कर, ये ना मंत्री की तरह ना तब से भाषण दिए जा रहा है, ये भाषण देना बंद कर दे और यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना अच्छे से मेरे हाथों से पिट जाएगा। अच्छा तो मुझे पिटेगी, अब एक रबड़ मार दिया ना सारा नशक दारू धरा धरा रह जाएगा तेरा, समझ में आया? अच्छा तो तू मुझे हाथ लगाएगा? शायद तू जानता नहीं है कि मेरा जो भाई है ना वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है, और वो तुम जैसे देसी गवारों को तो यूं चुटकियों में खरीद लेगा। चल मेरे से ना फालतू की बहस मत लड़ा, मैंने तू जानता नहीं है मैं ना तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अच्छा तो तुम मेरी जिंदगी खराब करेगी? तेरी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जितना तुम शहरी का घर होता ना उतनी जगह में तुम खाली अपनी भैंसी पालते हैं, समझ में आया? चलिए मेरी जिंदगी खराब करना है। हाँ सुमित, क्या? चल ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। आज तो मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हें अभी दिखा देता फिर आना किसका नाम है। हाँ तो जाना, अगली बार तू मुझे दिख गया ना तो तू याद रखेगा कि तूने किस लड़की से पाला पड़ा था। चुपे, कहाँ छुपा के रखा ड्रग्स? अरे फाब, अरे फाब, कहाँ छुपा के रखा? अरे फाब, मैंने कुछ नहीं किया फाब। कहाँ छुपा? अरे साहब, साहब क्यों आ रहे हैं साहब? ड्रग्स कहाँ छुपा के रखा है साहब? ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता साहब, हम तो गरीब आदमी साहब, काम कर रहे हैं अपना। सच बता दे, तेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। शाम को आऊंगा और अरेस्ट करके ले जाऊंगा, इतना मारूंगा दिमाग हो जाएगा सही। साहब गरीब आदमी साहब, हमें क्या पता ड्रग्स क्या होता है? साहब के खिलाफ दुआ उठाते हैं, बोल कहाँ छुपा के रखा है? बोल साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम गरीब आदमी साहब, कहाँ पर ड्रग्स क्या होता है हमको नहीं पता साहब। ड्रग्स तेरे घर में नहीं है, लेकिन सिंघानिया साहब के खिलाफ तूने आवाज उठाई ना तो अब ड्रग्स तो ऐसे ही आ जाएगा, शाम को तू जेल के अंदर होगा, समझा? अरे क्या वो सुमित, क्या बात है? अरे वो साहब पुलिस वाला आया कर, मार के गया है और बोला तूने सिंघानिया के खिलाफ आवाज उठाई है। अच्छा, इस सिंघानिया की इतनी हिम्मत होगी क्या पुलिस वाला बुला के यहाँ कमजोर लोगों को तड़पाता है? और साहब बोला है कि शाम तक अरेस्ट भी करने आ जाएंगे हम। इसको तो मैं देखता हूँ, ठीक, तो परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है भाई, काम कर, मैं इसको देखता हूँ, कुत्ते के पिल्ले सिंघानिया को। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा कहना मानोगे ना, ऐसे ही मौज में रहोगे, वो भी दिन दूर नहीं जब आपका प्रमोशन हो जाएगा। सब आपकी कृपा है, बस काम होता रहा है मेरा। अरे राणा जी आ गए। अरे राणा जी, आप हमारे दरवाजे पे आए, हमारा घर तो आज पवित्र हो गया। नमस्कार राणा जी। अरे सिंघानिया साहब, हम आपकी बातों से ना बहुत अच्छे खासे परिचित हैं, आप मीठा बोल के बड़ा जहरीला फन मारते हैं। अरे राणा साहब, जब आपको मेरे बारे में पता ही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये सब छोड़ो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पैर हैं पवित्र, ये हमारे घर के सामने कैसे पड़ गए? क्या काम पड़ गया आपको? अरे देसी गवार, तेरी इतनी हिम्मत, तू आज हमारे घर के सामने आ गया? भैया शायद आप ये जानते नहीं है कि ये वही देसी गवार है जिसने मेरी बेइज्जती की थी। ये इंसल्टेड मी सो मच। अरे मैडम, आप राणा जी को देख के इतना शॉक क्यों हो गई? इंस्पेक्टर साहब, शायद आप जानते नहीं है कि ये वही देसी गवार है जिसने मेरी बहुत बुरी बेइज्जती की थी। क्यों राणा, तूने मेरे बहन के साथ बदतमीजी की? तुझे ये नहीं पता ये किसकी बहन है?
सिंघानिया तू मेरी हिम्मत की बात मत कर, और शुक्र बना कि ये लड़की तेरी बहन है। अगर इसी जगह कोई लड़का होता ना तो उसको इतना मारता ना कि ब्यूटी पार्लर मेकअप कराने के बावजूद भी तुझे पहचान ना पाता। और जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ उस काम की बात कर, फालतू की बात मत कर। चल ठीक है ये सब छोड़, ये बता किस काम के लिए आया यहाँ पर? ये बात हुई ना सिंघानिया, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने सुमित के भाई के घर में छापा क्यों मरवाया, वो भी ड्रग्स का? राणा जी हमें उसके घर पे ड्रग्स पाए जाने की खबर मिली थी, बस इसीलिए हमने उसके घर पे छापा मारा, और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है, आज शाम को ही मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब आंखें बंद कर लेने से सूर्य की रोशनी कम नहीं हो जाती, फिर ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि वो ड्रग्स सिंघानिया के कहने पर रखवाया गया था, और आप इस मैटर से दूर रहिए तभी आपके लिए अच्छा है, वरना मेरे एक फोन घुमाते ही आपका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो सकता है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों बे तू कोई एसपी है या डीएसपी है? मैं तो उसे अरेस्ट करके ही रहूंगा, और तुझे जो उखाड़ना है ना तू उखाड़। इंस्पेक्टर मैंने तो सोचा था तुम इस मसले को यहीं पे खत्म कर दोगे, लेकिन तुम बात को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मर्जी। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि एसपी डीएसपी क्या कर सकते हैं। हेलो, अरे हाँ मंत्री जी कैसे हैं आप? अरे सर रुकिए रुकिए, आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही मैं करूँगा। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं बस ऐसे ही याद किया, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी ना। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई काम नहीं है। ओके अब तुझे पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ? अरे सर आप मेरी शिकायत मंत्री जी से मत करिएगा, मैं तो इनके कहने में आ गया था। ये बात हुई ना इंस्पेक्टर, अभी कभी तुम थाने में फ़ोन करो कि तुम्हारा कोई भी कांस्टेबल दोबारा सुमित के घर ना जाए। ठीक है सर। हेलो तुकाराम, सुमित के घर पे अब कोई नहीं जाएगा। ठीक है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुम इस गांव के देसी गवार एक मामूली इंसान से डर गए? मैम साहब ये मेरी नौकरी का मसला है, मैं आपके आपसी मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर तो मेरे लिए काम करता है ना, तो ये राणस क्यों डर रहा है, क्यों छोड़ रहा है उसे? ये तेरी नौकरी की बात ना तो मैं तेरा जल्द से जल्द प्रमोशन करवा दूंगा। और तू हर महीने पैसे किस बात के लिए लेता है? क्योंकि तू मेरा काम जल्द जल्द करा दे। सिंघानिया अपनी दौलत पे ना इतना मत उछल, ऐसा ना हो कि कानून की हथकड़िया तेरे हाथों का नाप ले ले। राणा कानून की नजर में ना ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी है जो सिंघानिया का हाथ का नाप ले सके, और रही मुझे जेल पहुंचाने की बात तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है। सिंघानिया अपने पैसों पे इतना मत उछल, और तुझे मैं जेल भिजवा के रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, समझ में आया? भैया आपको नहीं लगता कि देसी कवार में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, कि हमें एटीट्यूड दिखा रहा है? तो चिंता मत कर राणा, जितना उड़ रहा है ना इसके पर मैं काटूंगा। चल तू अंदर चल। हाँ सिंघानिया साहब बताइए कैसे याद करना हुआ? आंसू राणा को ना हमारे काले धंधों के बारे में पता चल गया है, अगर उसको जल्द जल्द निपटारा नहीं किया गया ना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, मैंने इसलिए तुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। क्या बात कर रहे हैं सिंघानिया साहब, राणा को हमारे काले धंधे के बारे में पता चल गया है, तब तो वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, बताइए कब उसको ठिकाने लगाना है? आंसू कल के न्यूज़पेपर में उसके फ्रंट पेज पे मौत की खबर होनी चाहिए। ठीक है सिंघानिया साहब आपने जैसा बोला वैसा हो जाएगा, मैं चलता हूँ। बहुत उड़ रहा था ना राणा, इसका तो आज ही पत्ता खत्म कर देता, पर मैंने सोचा चलो ठीक है मेरा सूटर तो है ही है, कल के न्यूज़पेपर का वेट है बस मुझे। रुक जाओ राणा वरना एक ही गोली में तेरा खेल खत्म, तूने सिंघानिया साहब से दुश्मनी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा तो तुझे सिंघानिया ने भेजा है, लेकिन शायद तू जानता नहीं है कि सिंघानिया कितना गलत काम करता है, इसलिए मैं उसको वार्निंग दे के आया था। हमारे काम है काले धंधे करना, तो तू बीच में मत पड़ समझा तू? अगर तुझे मुझे मारना ही है तो मेरी बात मान ले और कुछ देर रुक जा और मेरे साथ चल, फिर तुझे जो करना है कर ले। क्या बताना चाहता है तू? तू मेरे साथ तो चल फिर मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है लेकिन कोई होशियारी नहीं चलेगी।
सब्बा सासू, इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया था इसको टपकाने के लिए। तू मेरे पास लेके आ गया, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। अब मैं ना इसको अपने तरीके से मारूंगा। बहुत ज्यादा उड़ रहा था, अब इसके होश ठिकाने आएंगे। और आसू, ये बोल रहा था सिंघानिया को जेल में डलवा देगा। सिंघानिया, तुझे मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये गलत काम छोड़ दे और अच्छे रास्ते पे आ जाए। अबे राणा, बंदूक की नोक पे खड़ा है तब भी तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? मौत से वो डरता है सिंघानिया जो कमजोर होते हैं। आज तो बेशक मुझे मार देगा, लेकिन मेरे मरने के बाद फिर कोई जन्मेगा और वो तेरा सर्वनाश कर देगा। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, बहुत चला ली इसने अपनी जबान, चला दे गोली इसके ऊपर। तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे इसको मारने के लिए भेजा था, तू बंदूक मेरे ऊपर क्यों तानना है? इसको मारना। तुमने मेरे भाई को बीच चौराहे पे गोली मारी थी ना, इसीलिए मैं बस इस दिन का वेट कर रहा था कि कब तुम मेरे बंदूक के सामने आएगा और कब मैं तुझे मारूंगा। आसू, तुम्हारे भाई को इसलिए मरवाना पड़ा क्योंकि वो सारे काले धंधों के बारे में जान चुका था और वो मीडिया में जाने की बात कर रहा था, इसलिए आसू मुझे उससे मरवाना पड़ा। सिंघानिया, इसके भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम जैसे का लोगों का हसल यही होना चाहिए। आसू देख क्या रहा है, टपका दे इसको। आसू मेरी बात तो सुनो। नहीं रुक जाओ प्लीज, आप लोग मेरे भैया को माफ कर दो और प्लीज जाने दो। भैया ये सब क्या हो रहा है? मानसी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई कितने गलत काम करता है और तुम्हें आज तक झोंके में रखा कि बिल्कुल सही काम करता है। राणा साहब, अगर ये जिंदा रहा ना तो पता नहीं कितनों का घर बर्बाद करेगा, मैं मार ही देता हूँ इसे। रुक जाओ भैया, ये सब क्या है? और ये रानी क्या कह रहा है? राणा बिल्कुल सही कह रहा है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए ना गलत काम करने ही पड़ते हैं, नहीं तो ऐसे काम करने से ना दो रोटी भी नसीब नहीं होगी। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? अब तक जो राणा बोलता है वो सच था, आपकी वजह से मैंने राणा को कितना भला बुरा सुना दिया। आसो, तो देख क्या रहा है, ठोक गए? नहीं प्लीज, आप मेरे भैया को लास्ट चांस दे दो, वो पक्का सुधर जाएंगे। ठीक है, मैं लास्ट चांस देता हूँ सिंघानिया, अगर इसके बाद तो सुधरने लायक रहा तो ठीक है, वरना तेरी मौत मेरे यहाँ तो लिखी है। चल आसू। प्लीज बहन, मुझे माफ कर देना तुम भी। भैया आज आपको ना राणा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, और अगर आपने ना ये काले धंधे छोड़े नहीं तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखिए। अरे नहीं बहन, मैं आज के बाद मैं कभी कोई काला धंधा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आंसू के भाई को भी मरवा दिया इसी चक्कर में। अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया, अब आपकी भलाई यही है कि आप सुधर जाएं, और आपके लिए ना यही अच्छा होगा कि आप ये सारे काले धंधे छोड़ दें और एक नेक इंसान बन जाएं।